हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। माय सेल्फ प्रवीण दवे, और मैं मतलब बचपन से ही एक पेट लवर हूँ। स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए मेरे पास मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उनको संभालना या फिर खाना खिलाना, उसमें मुझे काफ़ी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था कि कोई मैं अच्छा ब्रेड खुद के लिए खरीद लूँ। तो मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स है ऑलरेडी, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि रॉटविलर के मतलब रॉटविलर का नाम लेंगे तो थोड़ा सा उनका नाम थोड़ा सा मतलब बदनाम हुआ है। बट मैंने दो तीन यूट्यूब पे चैनल से, जैसे कि रंजीत रंजीत का एक चैनल है, वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने एक पपी लेके आए थे अराउंड 50 डेज का, और उसको जिस तरह से उन लोगों ने सोशलाइज किया उसके बाद उसका जो बिहेवियर है वो मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव था। मतलब इतना एग्रेसिव डॉग होने के बावजूद उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी मतलब कोई किसको भी पसंद आ सकता है। तो मैंने 8-10 दिन से मैं 8-10 दिन से मैं यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ मैंने ट्राई किया अभी इसको परचेस करने के लिए मैं प्लान कर रहा था, बट वो फाइनली मैं हरियाणा में एक कैनल है नवाब करके, एक कैनल के ओनर है, उनके यहाँ पे मैंने यूट्यूब से ही उनका मुझे नंबर मिला, और वहाँ पे मैंने उनसे कांटेक्ट करके मतलब एक पपीज लेने का मेरा प्लान था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप दो पपीज ले लो, मतलब एक मेल और एक फीमेल। तो दो बच्चे मतलब उनका उनका बर्थडे था 24 नवंबर 2020 का उनका बर्थडे था, और अभी अराउंड 40 डेज के हुए हैं। आज मॉर्निंग में ही वो मतलब मुझे मिले हैं मुंबई में। दैट्स इट। सो मैं आपको एवरीडे आपको उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, उनको क्या खिलाता हूँ क्या पिलाता हूँ, उसके वीडियोस आपको मैं अपलोड करते रहूँगा। इसके अलावा एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गया, मतलब मुझे एक नंबर मिला था यूट्यूब से ही, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया उनके पास से अभी परचेज करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक अमाउंट बोला उन्होंने मुझे, और बोला मैं पंजाब से मैं आपको भेज दूंगा यहाँ पे मुंबई में, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है फाइन। उसके बाद मैंने बोला मुझे आप एडवांस दे दो, 2 से 3 हज़ार रुपये आप मुझे एडवांस दे दो, उसके बाद ही मैं आपको पपीज भेज पाऊँगा। तो मैंने बोला सर चाहिए तो जब आप मुझे कैश ऑन डिलीवरी करोगे वो टाइम पे मुझे आप मेरे पास 1000 से 1500 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन एडवांस मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ना आपको जानता हूँ ना आपके कैनल को जानता हूँ। तो भी उसने फिर मुझे बोला आप कितना दोगे, फिर मैं बोला मैं 1000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। 1000 रुपीज़ मैंने उनको ट्रांसफ़र किया, और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ से निकलेगा पंजाब से, और 2 दिन के अंदर मुझे वो 27 तारीख को यहाँ पे बॉम्बे में मिलेगा। 2 दिन हो गए, 27 तारीख हो गई वापस, मतलब मुझे थोड़ा सा हिंट लगा कि ये बंदा अपने को कुछ बना रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है अपने साथ। तो मैंने उनको बोला कि आप एक तो मुझे पपीज दे दो या फिर मेरा पैसा रिटर्न कर दो, अदरवाइज मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा आपकी। तो जैसे ही मैंने उनको पुलिस कंप्लेंट की बात की, वो बोले नहीं सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मुझे एक्सक्यूज देने लगी और बोला जी तो मैं आपका रिफंड देता हूँ बट आप बाकी चीज़ें महसूस करना। फिर उन्होंने मुझे रिफंड दिया। उसके बाद जी मैंने यूट्यूब पे ही जो नवाब जी हैं उनके चैनल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको ये पिछला वाला इंसिडेंट बताया, बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं कुछ एडवांस तो आपको दूंगा नहीं, बट जैसे ही आप पपीज हैंडल करोगे मेरे फ्रेंड को दिल्ली में मैं आपको पूरा पैसा इमीडिएटली ट्रांसफ़र करूँगा। फिर इसी बात के ऊपर हमारी डील हो गई, और उन्होंने वो पपीज ला के दिल्ली में मेरे एक फ्रेंड के पास छोड़े, और उन्होंने फिर वो पपीज भिवंडी के लिए डिस्पैच किए, और 2 दिन के बाद मुझे आज मुझे पपीज मिले। तो काफ़ी सारा एक्साइटमेंट था कल से ही, मतलब रात में मैं 10 बार नींद से जागा था, टाइम क्या हुआ टाइम को कब पपीज मिलेंगे। तो फाइनली दोपहर में 12 बजे मुझे मिल गए। तो उसका मैं आपको थोड़े से उसके वीडियोज और फोटोज आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वो अप्रॉक्स 40 डेज के हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं उनको ज़्यादा कुछ खिला पिला नहीं, बाहर का हम खिला नहीं सकते, उनको मिल्क रिप्लेसर करके मुझे बुलाए देने के लिए, और जो रॉयल कैनल का जो स्टार्टर है पपीज के लिए होता है वो उनको फूड में देना है मुझे अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए। तो दैट्स इट। आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं बाकी इन्फॉर्मेशन और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको वीडियोज अपलोड करके रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।